मुरादाबाद में पीस पार्टी के महानगर इकाई ने मंडल आयुक्त कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन मंडल आयुक्त को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि शहर के पीरजादा मोहल्ले में मौलाना मोहम्मद हयात ने लगभग 80 साल पहले गरीब और बेसहारा बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए मदरसा हयात उल उलूम की स्थापना की थी, जिसमें बच्चों को कुरान व कक्षा पास तक की निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद 1962 में जनता के चंदे से जामिया अरबिया नाम से विश्वविद्यालय बनवाने के लिए दिल्ली रोड पर 54 बीघा जमीन खरीदी। 1970 में विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू कराया गया और 1980 में प्राधिकरण ने इस जमीन का अधिग्रहण कर लिया, जिसके बाद निर्माण रुक गया, जबकि शैक्षिक संस्था व धार्मिक स्थल का अधिग्रहण नहीं किया जाता है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि शहर के कई भूमाफिया की नज़र इस जमीन पर है। उन्होंने मांग की है कि विश्वविद्यालय की जमीन का अधिग्रहण रद्द किया जाए, साथ ही जामिया अरबिया की जमीन को बेचने की साजिश रचने वाले मामले की CBI जाँच हो। ये कई वर्षों से दिल्ली रोड पे मंगपुरा में एक जामिया अरबिया यूनिवर्सिटी है, वो बंद पड़ी है काफ़ी टाइम से। तो उसको मुहाल कराने के लिए ये धरना प्रदर्शन किया गया है। क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि उसको यूनिवर्सिटी को दोबारा चालू किया जाए, और जिन लोगों ने वो यूनिवर्सिटी बेच दी गई है, जो एग्रीमेंट पे बेच दी गई है, उन्हें सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। बंद पड़ी हुई है जी, हमारे पास उनके साक्ष्य हैं, वो बंद पड़ी हुई है यूनिवर्सिटी। तो आप खोलने की मांग करते हैं जी? खुले जाने की मांग करते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, खुले जाने के बनाने की मांग करते हैं हम, और दोबारा से चालू कराने की मांग करते हैं हम। कमिश्नर साहब को ज्ञापन देंगे। ये ऐसा है, जामिया अरबिया यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए जगह खरीदी गई थी मगुपुरा में दिल्ली रोड पर, जो आज करोड़ों रुपए की है, और उसके अंदर 1962 में ये खरीदी गई थी स्थापना के लिए, और 1980 के अंदर वर्षों से मदरसे का हयात उलूम ने जो थी, मतलब वहाँ पर दीवारी वारी जो मतलब चालू होना था, चार दीवारी वगैरह और कमरे समरे बनाए थे जिसमें चालू भी कर दी गई थी, वो उसको रोक दिया गया था। तो जिसकी वजह से हम मांग करते हैं कि 54 बीघा ज़मीन में से 5 बीघा ज़मीन, जब समाजवादी 2016 में सरकार बनी तो उनके विधायक थे, तो उनको काले काले का सदस्य बना दिया गया उस जगह के मामले में। उन्होंने लेके कौन सा षड्यंत्र रचा जिसकी वजह से 5 बीघा ज़मीन एग्रीमेंट कर दिया 110 रुपये के स्टाम्प पर, जो निहायत ही गलत है। और जो मुसलमानों के जो गरीबों की जगह चंदा लेके जगह खरीदी गई थी, उनको बेचने का अधिकार नहीं है। फिलहाल हम ये मांग करते हैं इसके अंदर CBI जाँच हो, और जाँच के अंदर जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आगे को कोई ऐसी जरूरत ना करे कि किसी की मदरसे की या कब्रिस्तान की जगह बेचने की हिम्मत करे। आज मंडल आयुक्त जी को ज्ञापन दिया जाएगा, और मांग करते हैं कि यूनिवर्सिटी जल्दी स्थापना की जाए, और जो बनावटी में इसकी अटकलें आ रही हैं वो दूर हों। कौन से विधायक थे जिन्होंने ये काम किया? जो ये विधायक जी थे, हाजी यूसुफ साहब, शहर विधायक। पूर्व? हाँ पूर्व विधायक।